नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा। गंगा तटों और घाटों की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। रावत ने ली वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को लोगों के वन अधिकार सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। बंगलुरु में शहीद हुए स्क्वाडन लीडर देहरादून के सिद्धार्थ नेगी के परिजनों से मिलने आज पंडितवाड़ी स्थित उनके घर पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। चमोली जिले के सैंती गांव में शहीद रोहित का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पश्चिमी बंगाल के घटनाक्रम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा ये लोकतंत्र की है हत्या। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों में नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि गंगा तट और घाटों की संबंधित जिले की गंगा समितियां नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और पानी के स्रोतों का संरक्षण व संवर्धन करें। श्री गडकरी ने निर्देश दिए कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की नियमित सफाई करें तथा स्थानीय निकाय सॉलिड वेस्ट प्रबंधन का बेहतर उपचार सुनिश्चित करें। बैठक में निर्देश दिए गए कि गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्कूलों में जन जागरूकता अभियान संचालित करें और नमामि गंगे कार्यक्रम में NCC, NSS और स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तराखंड शासन की ओर से पेयजल सचिव अरविंद सिंह हयांकी और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लोगों के वन अधिकार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन निवासी, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी पीढ़ियों से वनों में निवास कर रहे हैं। उनके अधिकारों को मान्यता दिए जाने के लिए अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत लाभार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी संज्ञान लेने को कहा। श्री रावत ने कहा कि वन निवासियों की सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए एक समिति गठित की जाए। ये समिति इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन कर विभिन्न स्तर पर आ रही समस्याओं का निराकरण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक गठित चार समितियों की नियमित बैठक होने से समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बंगलुरु में शहीद हुए देहरादून के स्क्वाडन लीडर सिद्धार्थ नेगी के परिजनों से मिलने आज पंडितवाड़ी स्थित उनके घर पहुंची। रक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शहीद के घर सांत्वना व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद सिद्धार्थ नेगी के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने उनके परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जो है ये आश्वासन दिया गया कि भविष्य में, क्योंकि हमारे पास बच्चा एक ही लड़का था, जो भविष्य में अगर कोई आवश्यकता होगी तो उन्होंने अपना नंबर दिया कि हमें कॉल करें, हम जो जितना भी प्रयास होगा आपके समस्याओं को दूर करेंगे। पिता को गर्व तो होता ही है कि मेरा बच्चा देश के लिए कुछ करके गया है, तो वो तो गर्व की बात है। ये गर्व तो हम लोगों को तभी से शुरू हो जाता है जब हमारा बच्चा फौज में जा कर कमीशन प्राप्त करता है और वो फौज के लिए अपना जो है देश के लिए कुछ करके दिखाता, कुछ करता है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले बंगलुरु में वायुसेना के मिराज विमान हादसे में शहीद हुए उत्तराखंड के युवा स्क्वाडन लीडर सिद्धार्थ नेगी की अस्थियां सोमवार की देर शाम कनखल स्थित सती घाट पर गंगा में प्रवाहित की गई थी।
चमोली जिले में घाट ब्लॉक के सैंती गांव के सैनिक शहीद रोहित का आज नंदाकिनी और चुफलगाड़ के संगम पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रोहित के पार्थिव शरीर को भाई राजेंद्र प्रसाद ने मुखाग्नि दी। गत 2 फरवरी को बीकानेर में तैनात गढ़वाल राइफल्स के जवान रोहित की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई थी। आज उनका पार्थिव शरीर परिजनों के अंतिम दर्शनों के लिए सैनिक के गांव सैंती लाया गया, जहां से गमगीन माहौल में गढ़वाल स्काउट के बैंड की धुनों के साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सैनिक की शव यात्रा निकाली गई। सैनिक के पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ सैनिक रोहित को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान थराली की विधायक बुन्नी देवी शाह, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोगों के साथ गढ़वाल स्काउट और गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी और जवान मौजूद थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार और सीबीआई के बीच हुई घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर समस्त विपक्ष द्वारा ममता बनर्जी का समर्थन किया जाना भी समझ से परे है। वहीं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पश्चिमी बंगाल में हुए घटनाक्रम को संघीय और ढांचे पर हमला बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह का घटनाक्रम लोकतंत्र के लिए घातक है। श्री पंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिमी बंगाल की स्थिति नियंत्रण में आने की संभावना है। ममता बनर्जी ने, बहन जी ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जैसे कोई अपना राज्य होगा या फिर वो भारत का हिस्सा नहीं होगा या ढांचे का, संघी ढांचे का हिस्सा नहीं होगा, ये उन्होंने वहाँ किया है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इससे खतरनाक ये है कि सारी बातों को समझते हुए विपक्ष के सारे लोग एक हो गए हैं। वो अवसर की तलाश में थे, लेकिन गलत जो मूव है उस मूव पर दाव लगा रहे हैं। सारे देश ने देख लिया है आज की विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है, लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी के पीछे अनावश्यक पड़े हैं। जबकि ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद गए, कोई व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, अगर सीबीआई की इंक्वायरी पड़ रही है, चल रही है, तो उस इंक्वायरी को रोक दोगे आप? ये कहाँ का न्याय है? देखिए, राष्ट्र का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है, और इसमें राज्य और केंद्र दोनों के मध्य सामंजस्य रहता है। यदि केंद्र देखता है कहीं पर राज्य की विफलता हो रही है या कोई ऐसा बड़ा इशू है तो उसमें केंद्र हस्तक्षेप करता है, और ये फेडरल सिस्टम की विशेषता है कि उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हमने राज्य, हम लोग बनाते हैं, राज्य का संचालन करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमने अलग से देश बना लिया, और ये बात सभी को सोचनी चाहिए, और उसी आधार पर तभी इस लोकतंत्र की मान और मर्यादा बचेगी। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक संकेत दिख रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आज पिथौरागढ़ में प्रस्तावित जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, जल्द ही पिथौरागढ़ का कार्यालय भी बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में चारधाम सड़क परियोजना की संबंधित जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने चमोली के जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि छोटे छोटे मुद्दों पर सड़क परियोजना का कार्य ना रुकने पाए, साथ ही कार्यदायी संस्थाओं, सीमा सड़क संगठन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार नगीना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए मशीनों से आरबीएम उठाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भी वन विभाग को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बीआरओ को जोशीमठ माणा और जोशीमठ मलारी बॉर्डर रोड में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क की खुदाई से निकलने वाले मलबे को भी सुनियोजित ढंग से नियम अनुसार निस्तारित किया जाए और उसकी निगरानी भी की जाए। उन्होंने परियोजना का कार्य कर रही एजेंसियों से स्वीकृत 37 परियोजना कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा कराने के संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज पौड़ी के विकास भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाल लोकसभा के सभी जिलाधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के साथ मतदान कर्मियों को समय पर ट्रेनिंग दिए जाने को लेकर भी निर्देशित किया गया। बैठक में पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों के साथ ही पुलिस कप्तान भी मौजूद रहे। सभा क्षेत्र के लिए जितने भी बाउंड्री में कितने भी डीएम्स आए हैं और एसपीज हैं, तो उनका इकट्ठा भी बैठक था। तो उस पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है उसको देखा गया। उसके बाद जो हमारा तैयारी ईवीएम्स को लेकर और वीवीपैट को लेकर उसको लिया गया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट, उसका इलेक्शन मटीरियल्स का प्रोक्योरमेंट है या नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग्स, जो नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए ट्रेनिंग्स, ईवीएम का ट्रेनिंग्स, उसके बाद इलेक्शन मटीरियल का, उसके बाद ईएमएस, ईटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट का जो ट्रेनिंग है उसका जो तैयारी है, और काउंटिंग सेंटर्स है और स्ट्रॉन्ग रूम्स है, और उस पर एफएलसी जो करानी है उसका सभी का ट्रेनिंग का, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए जो सेल्स बनानी है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग करानी है, क्रिटिकल बूथ्स का आइडेंटिफिकेशन करानी है, और कहां कहां से हमें वेबकास्टिंग करनी है, और एक्सरसाइज का जो ये है, और उसके बाद जो पोल इंसिडेंसेस हुए थे उसके मॉनिटरिंग के लिए आज मीटिंग है। देहरादून के रायपुर चौक पर मतदाता जागरूकता अभियान का पहला कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए जनता को अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान स्लोगन और मॉक क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इसके अलावा स्टेट स्वीप कोऑर्डिनेटर राखी ने लोगों को मतदाता शपथ दिलाई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वीप टीम मुख्यालय द्वारा इस प्रकार के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम पूरे सप्ताह देहरादून के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधान भवन में अमृत योजना की बैठक में निदेशालय स्तर पर प्रत्येक 15 दिनों में समीक्षा करने के निर्देश दिए। अमृत योजना के तहत सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य कार्यों के अंतर्गत नगरों का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इस योजना के तहत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और रुड़की को रखा गया है। योजना के तहत 3 चरणों में 593 करोड़ रुपये के कार्य होने हैं। इसके लिए 121 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो गई है। टेंडर प्रक्रिया के बाद 20% धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त होनी है। बैठक में निर्देश दिए गए कि टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि केंद्र से मिलने वाली धनराशि शीघ्र प्राप्त की जा सके। भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को परामर्श जारी कर 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, जांच और अन्य सभी सेवा प्रभार माफ करने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार देश में 21 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान शुरू करने का फैसला किया है। विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकारों के सहयोग से वित्तीय संस्थानों के जरिए की जाएगी। वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी कर चुका है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा। गंगा तटों और घाटों की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को लोगों के वन अधिकार सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। बंगलुरु में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर देहरादून के सिद्धार्थ नेगी के परिजनों से मिलने आज पंडितवाड़ी स्थित उनके घर पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। चमोली जिले के सैंती गांव में शहीद रोहित का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पश्चिमी बंगाल के घटनाक्रम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा ये लोकतंत्र की है हत्या। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।